Assalamualaikum today the topic of discussion is the anti-terrorism act 1997 it's lecture 4 in previous three lectures we have already discussed about what is terrorism what are punishment for the act of terrorism and bail and remand procedure under the anti-terrorism act 1997 so in this video we will discuss a question which was asked in ddpp question uh, exam paper वेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डीम्ड टू बी इन्वॉल्व इन टेररिज्म एंड वॉट मैर्स आर टू बी टेक कन्वेंसच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोस्क्राइब्ड अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कहा जा सकता है कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है कब कहा जा सकता है कौन सी ऐसे काम करती है ये कौन सी एक्टिविटीज होती है और कौन से मयर्ज है जो गवर्नमेंट लेती है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है Uh, जो इन्वॉल्व हो टेररिज्म में और वो प्रोस्क्राइब डिक्लेयर हो जाए तो गवर्नमेंट कौन से मयर्ज लेती है तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवेंट <coughs> प्रोविजन 11C, से इनके सेक्शन इलेवन ए इलेवन बी इलेवन सी इलेवन सी सी इलेवन डी एंड इलेवन ई इलेवन ए से इलेवन ई तक डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न इन टेररिज्म और प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन इलेवन ए है ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न इन टेररिज्म कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कहा जा सकता है कि ये टेररिज्म में कंसर्न है अगर वो कोई भी एक्ट है टेररिज्म का उसको कमिट करती हैं फैसिलिटेट करती हैं या पार्टिसिपेट करती हैं अब फैसिलिटेट करने में फाइनेंशियल फाइनेंशियली uh, भी फैसिलिटेट कर सकते हैं और वैसे भी उनकी एड कर सकते हैं किसी भी टेररिस्ट टेररिज्म का कोई एक्ट है करने में किसी भी किस्म की यानी अगर कोई आदमी भेजते हैं कोई पर्सन भेजते हैं या उसकी किसी एक्टिविटी में या कहीं उसके आने जाने में उसको फैसिलिटेट करते हैं तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कहा जा सकता है कि कंसर्न इन टेररिज्म है फिर ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कंसर्न इन टेररिज्म में होंगी अगर वो प्रिपेयर करती हैं फॉर टेररिज्म टेररिज्म के एक्ट के लिए उसके कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए प्रिपरेशन करने में हेल्प करें या प्रिपेयर करें उन लोगों को प्रिपेयर करें तो ये भी आ जाती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म में का, इनको कहा जाएगा फिर या वो प्रमोट करें या इंकरेज करें किसी भी किस्म का टेररिज्म को या सपोर्ट करें या असिस्ट करें ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो पहले से टेररिज्म में इन्वॉल्व हो पहले से ऐसी टेररिज्म की एक्टिविटीज करती हो या फिर किसी भी किस्म की मजहबी नफरत किसी नफरत और तोहिन करना किसी भी मजहब का किसी सेक्ट का या किसी एथनिक ग्रुप का या लोगों में फैलाना और लोगों को भड़काना उनमें हेट्रेड आ, आ, उन लोगों को भड़काना उनमें हेटरेड क्रिएट करना और कंटेम्प्ट कर लिए उन्हें भड़काना कि किसी रिलीजन की करें सेक्टेरियन या एथनिक ग्रुप की करें जैसे हम शिया सुनी फसादात में देखते हैं कि वो लोगों को भड़का के मुश्तिल करके एक दूसरे से लड़वा रहे होते हैं अब इसमें जो आ जाता है कि ये रिलीजियस हेटरेड है सेक्टेरियन एथनिक है ये हमने अभी इसके एग्जांपल देखी है जो श्रीलंका का मैनेजर है उसको जिस तरह लोगों ने मार मार उसको पीटा और फिर उसको मारा फिर जलाया तो ये उसकी एग्जांपल में आ जाती है ये भी टेररिस्ट एक्टिविटी है तो या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जो टेररिज्म में कहा जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कंसर्ट है टेररिज्म में कि कोई ऐसा बंदा कोई ऐसा पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्सा हो पहले से वो किसी टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या उसने कोई टेररिज्म का एक्ट कमिट किया हो तो वो उसको एक्सपेल ना करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और ना ही उसके जो रैंक्स हैं उस वो वापस लें जिस रैंक पे वो है और अगर उसको वापस भी नहीं लेते और फिर एज ए हीरो पर्सन उसको प्रेजेंट करते हैं पब्लिक में तो ये भी एक टेररिस्ट एक्टिविटीज में आ जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहा जाएगा कि ये टेररिज्म ये कंसर्न है टेररिज्म में या फिर कोई भी टेररिज्म की एक्टिविटी किसी भी किस्म की डायरेक्टली इनडायरेक्टली करती है तो फिर भी कहा जाएगा अब ये हमारे पास आ जाता है कि सबसेक्शन दो है ग्यारह बी का ग्यारह ए का सबसेक्शन दो है ऑर्गेनाइजेशन शेल फॉल विद इन द मीनिंग इफ इट इज ऑन कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ और एट द डायरेक्शन ऑफ अ टेररिस्ट और अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ये टेररिज्म के मीनिंग में फाल करेगी जब कोई टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करें उसको ऑन करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर रहे हो तो फिर भी कहा जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म के मीनिंग में फाल करती है या फिर किसी भी टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर कोई भी एक्ट करें या उनसे डायरेक्शन दे कोई भी काम करने का तो फिर भी कहा जा सकता है कि ये टेररिज्म में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉल करती हैं एग्जाम्पल्स हैं पाकिस्तान में जो आ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वैसे तो ऑलमोस्ट सेवेंटी सिक्स है या इससे ज्यादा भी होंगी जो पाकिस्तान ने प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की हुई है लेकिन इसकी एग्जाम्पल्स थोड़ी सी यहाँ पे है लश्कर जंगवी है सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान है जश्न जैश ए मोहम्मद है लश्कर ए तेयबा है सिपाही सहाबा है तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है और इनकी जो लिस्ट है वो इश्यू की गई है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब उसको प्रोस्क्राइब कर दिया जाए तो वो हर साल इनकी लिस्ट जो है वो इशू करती है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोस्क्राइब्ड है और कौन सी नहीं है अब जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ होती हैं जिनको डायरेक्टली प्रोस्क्राइब कर दिया जाता है और कुछ होती हैं कि जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि आया जो एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में उन्हें वार्न किया गया है कि ये आप ठीक नहीं कर रहे मतलब ये आपकी एक्टिविटीज टेररिज्म के जुमरे में आती है उनसे रोकते हैं और वो आगे से कहते हैं ठीक है हम आइंदा ये नहीं होगा या इस तरह हो तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है तो उसको जो है देखा जाता है ऑब्जर्वेशन रखा जाता है तो मिन, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो इसको देखती है अब नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है ये इसका प्राइमरी कंसर्न क्या है कि ये मॉनिटर करती है कि कोई भी ऐसे साइंस ना हो कि जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक दफा खत्म कर दिया गया कह दिया गया प्रोस्क्राइब्ड है कि दोबारा वो इमर्ज ना हो सके किसी और नए ब्रांड के साथ अपने आप को रीब्रांड करके न पेश कर सकें कि वही ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम बदलकर या अपने कोई पहचान बदलकर दोबारा वही एक्टिविटीज करें तो इसको देखती है मॉनिटर करती है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी अब सेक्शन 11 बी है हमारे पास प्रोस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको प्रोस्क्राइब कर दिया जाता है अब यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ये अपने ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी लिस्ट उन ऑर्गेनाइजेशन की जिनको प्रोस्क्राइब डिक्लेयर कर दिया गया है इन फर्स्ट कैजुअल ऑन एक्स पार्टी बेसिस जो पहले आपको मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है वो लिस्ट बनाती है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की वो लिस्ट इशू करती है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है ये इशू करेगी Uh, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब्ड और उसकी लिस्ट जो है वो एक्स पार्टी बेसिस पे वो पब्लिश करेगी अब इसमें क्या है कौन से करती हैं जिनके बारे में फेडरल गवर्नमेंट को uh, के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हो उस, और उसे यकीन हो कि ये किसी टेररिज्म में कंसर्न है ये ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी टेररिस्ट से किसी इंडिविजुअल टेररिस्ट से या टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑन करती है डायरेक्टली ऑन करती है कंट्रोल करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या फिर ये किसी टेररिस्ट से या टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी डायरेक्शन लेती हैं उसके बिहाव पर कोई काम करती हैं या उनकी डायरेक्शन से काम करती हैं तो फिर भी उनको डिक्लेयर किया जाता है एज अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन अब ये जो रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये बोला है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हो तो रीजनेबल ग्राउंड जो हैं ये कहां से आते हैं ये इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड होती है फ्रॉम एनी क्रेडिबल सोर्सेज में जिनमें डोमेस्टिक भी होते हैं फॉरेन भी होते हैं इनमें गवर्नमेंटल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं ला इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जब इनसे कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये मिलके रिजनेबल ग्राउंड बनाती है अब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्क्राइब कर दिया जाता है ऑन एक्स पार्टी बेसिस तो विद इन थ्री डेज जो गवर्नमेंट है ये कम्युनिकेट uh, करेगी उस प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को उस और प्रोस्क्रिप्शन के ऑर्डर के पास होने के तीन दिन के अंदर अंदर उसको जो जिन ग्राउंड्स पे उसे प्रोस्क्राइब किया गया है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट किए जाएंगे उन्हें बताए जाएंगे। हमारे पास से सेक्शन इलेवन सी है राइट ऑफ रिव्यू अब ये कहते हैं के कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रोस्क्राइब कर दिया गया हो और ऐसी एग्रीव्ड प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है तीस दिन के अंदर अंदर ये रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेगी फेडरल गवर्नमेंट के सामने और अपने ग्राउंड स्टेट करेगी जिन पे जो इसको ग्राउंड स्टेट किया जाएगा कि जिन पे उसको प्रोस्क्राइब किया गया है और वो ग्राउंड बताए जाएंगे उनके के इस पे उसे दोबारा इसको रिव्यू करना चाहिए ये ग्राउंड्स वैलिड नहीं है या जो भी रीजन जो भी प्ली वो लेते हैं वो बयान की जाएगी तो जो फेडरल गवर्नमेंट है ये जब कोई एप्लीकेशन किसी की भी आ जाती है रिव्यू एप्लीकेशन उसका डिसीजन विद इन नाइन्टी डेज वो देगी किस पे देगी के ऑन रीजनेबल ग्राउंड फिर रीजनेबल ग्राउंडस क्या है कि इन्फॉर्मेशन कोलेक्ट करेगी क्रेडिबल इन्फार्मेशन तो उस उन ग्राउंड पे जो रिव्यू एप्लीकेशन होगी नब्बे दिन दिन के अंदर अंदर उसका फैसला किया जाएगा अगर फेडरल गवर्नमेंट रिफ्यूज कर देती है रिव्यू uh, एप्लीकेशन और मेंटेन रखती है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोस्क्राइब कहा गया है उसको मेंटेन रखती है और तो फिर जो एग्रीव्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये विद इन थर्टी डेज हाई कोर्ट के सामने अपील करेगी रिफ्यूजल ऑफ रिव्यू की प्रोस्क्रिप्शन रिव्यू कमेटी जो है इलेवन सी सी है यहां पे इलेवन सी लिखा है लेकिन ये अंडर सेक्शन इलेवन सी सी है यानी डबल सी है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक आ, कमेटी रिव्यू कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट करेगी प्रोस्क्रिप्शन रिव्यू कमेटी कहा जाएगा उसे इसमें तीन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे उनमें से एक जो होगा वह रिप्रेजेंटेटिव होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का और जो चेयरमैन होगा कमेटी का उसका रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम नहीं होगा कम नहीं होना चाहिए और ये जो रिव्यू उसके पास आएगा जो भी रिव्यू एप्लीकेशन आएंगी उनका डिसीजन विद इन थर्टी डेज देंगे अब जो फेडरल गवर्नमेंट है अगर उसे लगता है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंसर्न है टेररिज्म uh, में कहा जाता है कि वो टेररिज्म में कंसर्ड है बिलीव है उन्हें तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अंडर ऑब्जर्वेशन भी uh, रख रख सकते हैं वो अंडर ऑब्जरवेशन ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो सेकंड स्केजूल जो है फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर से सेकेंड स्केजूअल की लिस्ट में उसका नेम लिखा जाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगी उस पर ये लाजमी होगा कि वो उसी नाम के जरिए ऑपरेट करे अपना काम जो भी कर रही है एक लीगल वे में अपना काम करे और नाम वही रखे नाम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये अपना नाम चेंज करके अपने आप को रिप्रैंड करके दोबारा काम कर, शुरू कर देती है तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्रीव्ड जो हो या पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीव्ड हो ऑब्जर्वेशन ऑर्डर के जरिए तो वो अपनी रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिफोर फेडरल गवर्नमेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट है एप्लीकांट को हेयर करने के बाद उसके डिसाइड करेंगे मैटर विद इन सिक्सटी डेज सात साठ दिन के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट रिव्यू एप्लीकेशन का डिसीजन देंगे जो ऑब्जर्वेशन ऑर्डर पे रिव्यू एप्लीकेशन आएगी अब यह भी है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑब्जर्वेशन हो तो फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर उसे लगता है कोई रीजनेबल ग्राउंड्स है तो वो उसका पीरियड जो है ऑब्जर्वेशन का उसे बढ़ा सकती है लेकिन जब वो ये पीरियड ऑब्जर्वेशन का बढ़ाएगी तो उसमें वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको पहले हेयरिंग के लिए उसको सुना जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगी उसके बाद जाकर उसका पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा लेकिन जितने भी ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा हर ऑब्जर्वेशन पीरियड वो छह माह से ज्यादा नहीं होगा यानी छह माह गुजर जाएंगे तो अगर ज्यादा उसमें ऑब्जर्वेशन पीरियड एक्सटेंड करना है तो छह माह बाद दोबारा फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी देगी ऑफ बीइंग हार्ड और उसके बाद उसके छह माह से आगे जो पीरियड है उसका बढ़ा दिया जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास मैयर टू तो बी टेकन बाय द प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 11 ई e. यहां पे है मयर्स टू बी टेकन अगेंस्ट अप्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन इलेवन ई गलती से बाय लिखा गया है ये अगेंस्ट का वर्ड है अब जो मयर्स हैं अगेंस्ट अप्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होगा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी जाए कि ये एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो ये फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ऐसे तमाम मयर्स ले जिनमें वो इस प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे थे उनको खत्म किया जाए बैन किया जाए सील किया जाए तो इसके जितने ऑफिस हैं फेडरल गवर्नमेंट उनको सील करेगी तमाम लिटरेचर पोस्टर बैनर प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और अदर जो भी मटेरियल होगा उसको सीज किया जाएगा उसके अलावा कोई भी इसे प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिशिंग प्रिंटिंग डेसीमेशन ऑफ एनी प्रेस स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और पब्लिक अटेंडेंस बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एंड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन शैल बी प्रोहिबिटेड अब प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो मयर्स हैं उनमें क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इसको सबसे पहले इसके ऑफिसिस सील किए जाएंगे तमाम लिटरेचर पोस्टर बैनर प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जितना भी मटेरियल होगा उसको सीज कर दिया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिकेशन प्रिंटिंग डिसेमिशन जो होती है यानी इश्तेहार करना मशहूर करना फैलाना लोगों में जो भी इनकी प्रेस स्टेटमेंट होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये करते हैं या पब्लिक में आके जो ये अपने ख्याल का इजहार करते हैं या बोलते हैं पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन सपोर्ट ऑफ देयर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन तो ये तमाम प्रोहिबिटेड होंगे आगे हमारे पास कंटिन्यूइंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के अगर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिर भी नहीं रुकती अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करती है तो फिर कौन से मयरस जो हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी अब ये है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोस्क्राइब डिक्लेयर हो गई है उसको बैन कर दिया गया है कि किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं करेंगे लेकिन उसका कोई भी अगर एक ऑफिस बेरियर या कोई एक्टिविस्ट है या उसका मेंबर है या उसका कोई भी एसोसिएट है वो इसकी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कंटिन्यू करता है उन्हें जारी रखता है तो फिर गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट जो है ये मैयर्स लेगी कि उनके पासपोर्ट जो हैं वो उन्हें पासपोर्ट नहीं इशू किए जाएंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा बाहर ट्रैवल करने के लिए उनके जो बैंक हैं जो फाइनेंशियल जितने भी बैंक हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या कोई भी दूसरी एंटिटी है जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है उनको मना कर दिया जाएगा कि इनको किसी भी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट ना दी जाए और उसके अलावा उनको क्रेडिट कार्ड्स ना इशू किए जाएं अगर उनके पास कोई आर्म्स हैं और उनको पहले से उन आर्म्स के ग्रांट किए गए हैं तो उनके जो लाइसेंस हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अपने आर्म्स जो हैं वो डिपॉजिट करवाएं लेकिन अगर वो अपने आर्म्स जो भी हथियार उनके पास हैं उनको डिपॉजिट नहीं करवाते तो उनको फिर बाहक सरकार जो है उनके आर्म्स जो हैं हथियार जो है उनको जब्त कर लिया जाएगा और जिसके पास वो हथियार मौजूद होंगे उसको फिर पनिशमेंट दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के अब नेक्स्ट है कि अकाउंट एक्सपेंडिचर्स और फंड्स जो हैं इनकी डिटेल अप्रोसक्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगी ये अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के जो अकाउंट्स हैं वो सबमिट करवाएगी जो पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जो उसके अखराज होते हैं या उसकी जो भी इनकम है उससे जो जो भी अकाउंट्स उसके हैं वो सबमिट करवाएंगे फेडरल गवर्नमेंट को और उसके अलावा वो डिस्क्लोज करेंगे कि तमाम फंडिंग सोर्सेज जहां से उन्हें फंड मिल रहे थे तो वो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उसके सामने डिस्क्लोज करेंगे कि वो कहा से कितने फंड्स ले रहे थे और उनके फंड्स के सोर्सेस क्या थे सो दिस इज एंड ऑफ लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल